हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आर के एस इंडिया में राजेश चौगन आप सभी का वेलकम कर रहा हूं। और दोस्तों, एलईडी वाल जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर कैट सिक्स केबल की ज़रूरत पड़ती है वीडियो सिग्नल आउट देने के लिए प्रोसेसर से, और कैट सिक्स केबल्स को नेटवर्किंग में कंप्यूटर से कंप्यूटर, नेटवर्किंग लैन में और सीसीटीवी कैमरेज में ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैट सिक्स केबल को कैसे क्रिम्पिंग करते हैं, RJ45 कनेक्टर कैट सिक्स केबल किस तरह से लगाया जाता है। तो इसके लिए मेरे पास है ये टूल्स हैं, ये कैट सिक्स का टेस्टर है, इसमें एक पॉइंट इधर लगाएंगे, एक एंड इधर लगाएंगे और इसको ऑन करके चेक करेंगे केबल सही बनी है नहीं। ये क्रिम्पिंग टूल है, इससे हम RJ45 का जो कनेक्टर लगाएंगे केबल के एंड पर उससे क्रिम्प कर लेंगे। और ये RJ45 का जैक है कनेक्टर, तो ये अपन और ये है कैट सिक्स केबल। तो कैट सिक्स केबल को सबसे पहले हम ये इंसुलेटर हटाकर और जो इसमें केबल्स हैं उनको बराबर करेंगे कट करके इस टूल से, और फिर इसको कनेक्टर लगा देंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल RKS इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले इस कैट सिक्स केबल का हम इंसुलेटर को हटाएंगे इस टूल से। ठीक है, ये इंसुलेटर हट गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल 8 वायर हैं जो 4 पेयर में बटे हुए हैं, और 4 कलर हैं, 4 कलर के साथ एक एक वाइट कलर भी दिया हुआ है। तो इसका ये पेयर है वाइट कलर का, जैसे ये ब्लू है तो ब्लू का पेयर इसके साथ है वाइट में, ये ब्राउन है, ऑरेंज है और ग्रीन है। इससे टोटल 8 वायर हैं और ये इसका सेपरेटर है, तो ये इसको अपन कट कर लेंगे। इसके साथ एक थ्रेड भी आता है धागा, इसको हम कट कर लेंगे। अब इन चारों पेयर को अनपेयर करके इन चारों वायर्स को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब हमने इस सभी केबल्स को स्ट्रेट कर लिया है, सीधा कर लिया है, और अब अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग इन सबको कलर्स में सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज का वाइट, फिर लेंगे ऑरेंज, फिर लेंगे ऑरेंज के पास में लेंगे ग्रीन का वाइट, अब लेंगे ब्लू कलर, और फिर लेंगे ब्लू का वाइट। और फिर लेंगे हम ग्रीन कलर, और फिर लेंगे ब्राउन का वाइट, और सबसे लास्ट में ले लेंगे हम ब्राउन कलर। इस तरह से मैं आपको एक बार कलर्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑरेंज का वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन का वाइट, फिर ब्लू, फिर ब्लू का वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन का वाइट और ब्राउन। ये जो कलर कोड है वो कोडिंग बी कहलाती है, कोडिंग ए भी होती है, कोडिंग बी भी होती है। तो अपन इस एलईडी वाल के अंदर ये वाली कोडिंग हम मोस्टली काम में लेते हैं। अब इन सबको हम इस टूल से बिल्कुल यहाँ से जो एज है इनके सबको इक्वल काट देंगे, बिल्कुल बराबर काट देंगे। हमने कलर कोड सेट करने के बाद में इसको टूल से काट लिया था, ये ध्यान रहे ये सब बराबर रहे, अगर बराबर नहीं हो तो एक बार वापस से टूल से काट सकते हो। अब ये कनेक्टर लेंगे RJ45 और इसको इस तरीके से डालेंगे, पिन देख लेना आप इसकी थोड़े।
और जब आप लगाओ तो ये आप कोशिश करें कि ये जो इंसुलेटर है ये इंसुलेटर इस कनेक्टर के अंदर चला जाए, इससे आपकी वायरिंग ख़राब नहीं होगी जल्दी से। और ये जो सारे वायर हैं इनकी जो एज हैं वो ऊपर तक आ जाए, इसके आपको दिखाता हूँ यहाँ तक, यहाँ दिख जाने चाहिए तो आप समझ लेना कि आपकी वायरिंग सही हो जाएगी, कनेक्टर सही बनेगा। अब इसको लगाने के बाद अब टूल से हम इसको क्रिम्प कर लेते हैं कनेक्टर को। अच्छे से प्रेस कर देना है इसको, अच्छे से प्रेस कर दिया है तो अब ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हो गया है, दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन इस टेस्टर से जो अपने पास यहाँ दिखाया हुआ था टूल, तो इस टूल्स में अपन केबल के दोनों एज लगाएंगे और ऑन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केबल टेस्टर केट्स केबल टेस्टर में दोनों केबल के एज लगा देंगे और इसे स्विच को ऑन करेंगे। अब देखेंगे बत्तियाँ इक्वल चल रही हैं दोनों तरफ की और ये बिल्कुल सही हो गई है केबल, बिल्कुल हमारी वर्किंग कंडीशन में। तो दोस्तों इस तरह से आप केट 6 केबल एलईडी वॉल के लिए बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, आपको बस ये टूल्स की ज़रूरत होगी। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ एक अच्छा, तब तक के लिए नमस्कार।